आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा सवाल। क्या कहता है सवाल में? कहता है विद द फॉलोइंग प्रोसेस गिवन वर्किंग नोट, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट है और उसकी कीमत कितनी है? 1000 ही है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इस ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल तो 100% लग गया, लेबर लगा हमारा कितना? 50, और ओवरहेड लगा हमारा, मतलब कहने का मतलब है भाई साहब कि अब हम मटेरियल ओपनिंग स्टॉक जो आया है वो पका पकाया नहीं आया, कच्चा पक्का आया है वो। अगर आप कह रहे हो कि ओपनिंग स्टॉक में लेबर 50 ही लगाया तो कहां से तैयार हुआ होगा वो? इसका मतलब अब हम उसके अंदर और तैयारी करेंगे तो लेबर में कितनी तैयारी कर देंगे? और 50, और ओवरहेड में कितनी तैयारी? 60% कर देंगे। लेकिन 50 और 60 किसका? इस इनपुट यूनिट का। अभी समझ में आ जाएगा। कहता है इंट्रोड्यूस, हमने नया माल लगाया है जो कि कितने का था ये, जिसकी कीमत कितना था ये, और ये कीमत ऐसे बना होगा जिसमें वेजेस है ये और ओवरहेड है हमारा ये, सॉरी ये तो मटेरियल का है, ये दे रखा है इंट्रोड्यूस, ये दैट इज मटेरियल, जिसमें से लेबर ये लगा और ओवरहेड लगा, यानी 1000 यूनिट और मैंने उसमें लगाए तो टोटल 11,000 हो गए। ध्यान दे, 1000 नहीं 10,000 है, ठीक है ना? और उसके खर्चे ये हैं। कहता है स्क्रैप जो हो गया 1500, तो सर ये स्क्रैप का मतलब क्या होगा? नॉर्मल होगा, एब नॉर्मल होगा, दोनों होगा, दोनों होगा। कहता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल, कंप्लीशन मटेरियल ये इसके बारे में बता रहा है, स्क्रैप में 100%, 80%, 60%। तो सर ये किसका परसेंटेज माने, नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल का तो परसेंटेज ही नहीं होता, उसे जीरो मानना होता है, डैश डैश डैश, तो ये किसका होगा? एबनॉर्मल का। ये समझना होगा आपको, जब क्वेश्चन देगा ना तो उसको पढ़ के एक बार आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक का डिग्री कंप्लीशन दे रखा है 100, 60 और 50। नॉर्मल लॉस कितना होगा सर? 10% के हिसाब से होगा। और स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2 रुपए पर यूनिट। बनाना क्या है? प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट तो वही दो कॉलम खींचो, इधर उधर बन गया, लेकिन पहले हमें ये तो पता करें कि इसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूनिट निकालेंगे, फिर रेट निकालेंगे, फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो पीछे यूनिट में देखा जाए तो ओपनिंग स्टॉक में जो लगा है ना इनपुट में, मैं यहीं पर सीधा कर रहा हूँ, और ये सारी बातें इधर थोड़ा सा घिचपिच है लेकिन उसको ध्यान ना देके आप इस पर फोकस करिए। इनपुट में लगा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सर कितने? 1000। और हमने इंट्रोड्यूस किया, अब देखो यहां पे ना मैंने बोला प्रोडक्शन यूनिट है ये, तो यहां कितने रुपए का लगा उससे मतलब थोड़ी ना, हम सिर्फ यूनिट यूनिट के ऊपर काम करेंगे। वहां पे लिखा था 37,000 और कुछ 18,000, 8,800 कुछ कुछ लिखा था, तो भैया वो तो हमारा दूसरे पार्ट है, हम सिर्फ यहाँ यूनिट की बात करेंगे। यानी सर हम टोटल यूनिट लगा चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है भाई साहब कुछ, तो सर अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है तो लिख देते हैं, अच्छा यहाँ नहीं लिखना, इधर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। कितने क्लोजिंग स्टॉक सवाल ने कहा है? देखो सवाल कहता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1000। लो जी 1000। सवाल ने कहा कि हमारा जो है वो नॉर्मल टोटल स्क्रैप 1500 है, लेकिन हम 1500 को डिटेल में लिखना चाहेंगे। 1500 है तो 10% बोलता है नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस कितना है? 1100। एबनॉर्मल लॉस कितना है? 400। हाँ 1100 ही है। पहले ये बताओ यहां तक कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारा? समझ में आया? इस क्वेश्चन को ना एक बार में करने में थोड़ा हो सकता है बच्चों को लेंदी लगे, लेकिन एक बार मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, इसी क्वेश्चन को होमवर्क देने वाला हूं ताकि आपका एक स्मूथली, क्योंकि इतने जब कई बार कॉलम बन जाता है ना तो हमें दिमाग में एक फिट करना पड़ता है इस कॉलम को, यहां पर ड्रो पहले तो फॉर्मेट दिमाग में इसका ये, तो एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आएगा। अभी आपको बस समझना है, सिर्फ समझ समझ में आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो कंप्लीट कितना होगा सर? कंप्लीट निकाल के बताते हैं अभी आप। सर कंप्लीट हमने, आपने बोला 1000 था और 10000 लगाए, मतलब सर 11000 लगा दिए ना, और आप कह रहे हो 1500 रुपए का नुकसान हो गया, तो 1500 यूनिट का तो कितने बचे? 10, 500 ही बचे ना,
10,500 नहीं 9,500, आपका मतलब 9,500, और आप बोल रहे क्लोजिंग स्टॉक भी बना लिया, तो इसका मतलब आपका 8,500 यूनिट तैयार है। लेकिन तैयार में दो बातें होंगी, ओपनिंग भी होगा और कंप्लीट भी होगा। तो ओपनिंग अगर 1,000 है तो कंप्लीट कितना होगा, तो यानी मैं कंप्लीट लिखूं तो टोटल हो गया, ठीक है। अब कंप्लीशन पे आएंगे, ओपनिंग स्टॉक 100% पहले ही लगा चुका था, तो यूनिट क्या आएगा, कुछ लगाना ही नहीं है इसमें। ओपनिंग पहले मटेरियल लगा चुके हैं तो अब कुछ लगाना ही नहीं है। कहता है लेबर में भैया हमने लगाए हैं 50%, तो 50% भैया लेबर और लगेगा, और 40% लगाए हैं तो 60 ये लगेगा। तो सर 50% ये लगेगा लेबर, दैट इज आपका किसका 50%, इसका इनपुट वाले का, ओपनिंग का, दैट इज 500, और ये लगेगा हमारा 60%, वो किसका सर, ये इनपुट वाले का, दैट इज 600। पहला देखिए, जो हमारा इंट्रोड्यूस तो इधर जाएगा नहीं, कंप्लीट, हमेशा कंप्लीट का मतलब तैयार कर दिया। तो कंप्लीट में लगाया आपने क्या, मटेरियल भी लगाया, लेबर भी लगाया, ओवरहेड, मटेरियल बताओ कितना परसेंट लगाया होगा, यानी लेबर कितना लगाया होगा, यानी ओवरहेड कितना लगाया होगा, बताओ 100, ये सब 100% होता है सर, क्योंकि कंप्लीट का मतलब ही है कि तैयार हो गया वो माल। अब बात करते हैं एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का भी परसेंटेज नहीं देगा तो आप मान लेना 100% है। कहां चले गए हम, एबनॉर्मल का परसेंटेज दे रखा है, ये देखो स्क्रैप की डिग्री है ये, मतलब मटेरियल 100, 80 और 60, तो ये अभी हुआ ना एबनॉर्मल लॉस, तो यही परसेंटेज रहेगा। मटेरियल का रहेगा 100, 100 का मतलब दैट इज 100%, यानी 400। उसके बाद क्या था, 80%, मतलब 400 का 80%, 8×32 320। और भाई किताब में भी सवाल है निकाल लो, बताओ। हाँ नहीं है, अभी ढूंढ देंगे आपकी किताब में, रखो 60 है, ठीक है। अब नॉर्मल का होता नहीं तो इसका सबसे आसान ये रहा। अब क्लोजिंग का दे रखा है तो ठीक, नहीं तो 100 मान लो, देख लेते हैं, दे रखा है क्लोजिंग का, क्लोजिंग का कितना है 100, 60, 50, तो क्लोजिंग का क्या रहेगा परसेंटेज, 100, 60, 50, तो 100 मतलब 1,000 का 100 पूरे 1,000, 60 मतलब 600, 500। समझ में, अब हम ये देखेंगे कि मटेरियल में टोटल मटेरियल आपको बता दिया कि 20 लाख रुपए का मटेरियल लगा है, तो आपको एक यूनिट का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो अगर 20 लाख रुपए का मटेरियल लगा है तो कितने यूनिट बनाए, डिवाइड करके निकाल लेंगे, जो कि अगला स्टेटमेंट है हमारा। तो अब यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो कितने कितने लगे वो लिख लेते हैं सर। टोटल ये लगा हमारा 75, और आप देखोगे इसको मटेरियल में कितना लगा, 75 और 85 कितने हो गए बताओ। हाँ 75, 400 प्लस कहाँ, तो ये तो अब चल रहा है भाई, अभी लगा है, लगा पिछ पुराना थोड़ी है। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के अंदर ना हम डिफरेंस ले लेते हैं परसेंटेज का, क्योंकि पुराना लग चुका है अब और लगाना है। क्लोजिंग में तो अभी लगाया है ना, तो वो सेम परसेंटेज रहेगा 8,000। इसके बाद ये कितने, वो तो आप बताओगे, मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं बस। 8,000 भाई सभी देख लेना, मैंने कुछ नहीं किया, इनको टोटलिंग किया। ये क्या है, ये वर्किंग नोट है, ठीक है, यहां तक समझ में आए।
अब मैंने क्या बोला था, तीन चीजें बनाएंगे वर्किंग नोट में सर, एक ये बन चुका डन। अब एक बनाएंगे कॉस्ट, कॉस्ट वाला बहुत आसान है सर। कॉस्ट का मतलब क्या है, एक सिंपल सा, हम क्या बना रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट स्टेटमेंट है ना। ये तो इतना आसान है कि पूछो मत। सर यहां पे ले लेंगे हम यूनिट कितने लगे, यहां पे ले लेंगे कॉस्ट रुपीस में, यहां पे पर यूनिट, यानी इसको इससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। यहां पर्टिकुलर ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सर 8840 89, बच्चे ने गलत बता दिया। अंकित कह रहा है क्वेश्चन मार्क, किस बात पे क्वेश्चन मार्क, नॉर्मल लॉस का क्या क्यों नहीं होता। नॉर्मल लॉस तो ग्राहक ही देता है ना, नॉर्मल लॉस तो ग्राहक ही देता है, तो हम क्यों उसकी कॉस्टिंग करें, वो तो टोटल में जुड़ जाता है। एबनॉर्मल लॉस हमें बियर करना पड़ता है, सेपरेट दिखाना पड़ता है, इसलिए नॉर्मल लॉस जो भी होगा ना उसको डैश छोड़ना है, उसके लिए कुछ नहीं करना। बच्चे कह रहे हैं सर नॉर्मल लॉस में आपने ब्लैंक छोड़ा, तो मैंने आपको देखो पहले बताया था ना कि नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कंप्लीशन जीरो मानना है, तो अगर आप जीरो मानोगे तो सब जीरो 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 रहता है। ये मान के चलते हैं कि ये कस्टमर बियर करेगा, हमारे पल्ले का कोई चीज नहीं है, तो नॉर्मल लॉस की कॉस्टिंग क्यों निकालेंगे। ठीक है, हाँ नॉर्मल लॉस का अमाउंट, दूसरी बात नॉर्मल लॉस का अमाउंट आपको पहले ही सवाल में दे देता है कि स्क्रैप को इस रेट में बेचेंगे, जिसका कॉस्टिंग से मतलब नहीं है, वो एक टेंटेटिव रेट होता है, वो चीजें हैं। चलिए सर अब हम निकालेंगे सबसे पहले मटेरियल का। सर मटेरियल का निकालोगे मतलब मटेरियल कितना रुपए खर्चा किया ये भी तो बताओ। मटेरियल सर मटेरियल में आपने जो खर्चा किया है ना, वो खर्चा किया परचेज किया आपने मटेरियल, और परचेज पता है कितना किया, ये रहा 37,000, और सर बेच भी दिया, नॉर्मल लॉस स्क्रैप भी बेच दिया, और नॉर्मल लॉस स्क्रैप क्या बेचा, नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों ही बेचा होगा आपने, यानी आपने 1100 का स्क्रैप और 2 रुपए के हिसाब से 2200 का बेच दिया होगा, तो देखा जाए इसका जो खर्चा आया होगा माइनस कर दो, करना माइनस 35। इसका मतलब मटेरियल का आपके पॉकेट से जो खर्चा बना ना वो 35,600 का ही बना। कैसे सर 35,600, भाई 37,800 था ये खरीदा, और 37,800 में 2200 का तो कूड़े कबाड़े में बेच ही दिया मटेरियल। कहाँ लिखा है आपने 2200, सवाल कहता है 2 रुपये पर यूनिट स्क्रैप को बेच किया हो, तो 2200 को तो कबाड़ में बेच दिया, तो आपके पॉकेट से कितने लगे नेट में 35,600। देखिए पहले 35,600 किसी को डाउट इसमें, हाँ 2200 कुछ बच्चे पूछेंगे बार बार, मैं लिख देता हूँ, हमने 1100 यूनिट बेचे 2 रुपए के भाव से। सर अब 2 रुपए कैसे आया लिखना है, एक बार क्वेश्चन देखो ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं जरूर, और एक बार पिछला प्रोडक्शन यूनिट भी मन में कैलकुलेट करो, फटाफट से मन में एक बार कैलकुलेट करो, 2 मिनट में दे रहा हूँ रिवीजन के लिए, मन में कैलकुलेट मारो ये कैसे बनाया हमने स्टेटमेंट, ये ऐसे गया ये ऐसे गया ऐसे गया, इसके बाद मैं अगला भी बता दूंगा। मन में कैलकुलेशन मारो कि ये ऐसे था, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, मन के अंदर।
दिया ओपनिंग डब्ल्यू आई पी जो ऐड होगा ना वो दूसरे वाले मेथड में होगा, दैट इज हमारा होगा वेटेड एवरेज में। इस हम अभी जो कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं हम फीफो मेथड से। एक बार क्वेश्चन वाला स्लाइड दिखा दो, ये लो। एक बच्चा पूछा सर एबनॉर्मल लॉस क्या, कह रहा है कि एक एबनॉर्मल लॉस कैसे आई ये बता दो। तो सबसे पहले देखो स्क्रैप तो आपका 1500 यूनिट था, हम यहाँ पे एबनॉर्मल वाले को तो अलग ही निकाल रहे हैं। देखो किसको आप, आपकी कॉस्टिंग जो मानोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता था कि आपका जो नॉर्मल लॉस है ना, नॉर्मल लॉस 10% है। तो सर 10% किसका, टोटल इनपुट का। जैसे यहाँ पे आपने निकाल के दिखाया था नॉर्मल लॉस किसका निकाला था, इसका निकाला था टोटल इनपुट का, तो टोटल इनपुट का आ गया। तो सर ये 1100 रुपये आए टोटल इनपुट का। अब नॉर्मल लॉस को बेचने के लिए बोला है 2 रुपये के हिसाब से बेचो, तो मैं पूरा ही कर देता हूँ, नहीं तो बाद में बच्चे देखेंगे तो फिर परेशान होंगे नोट करने में आपका। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, नॉर्मल लॉस कैसे 11000 का 10%, दैट इज 1100 इक्वल टू 1100 और इंटू में 2 रुपये पर यूनिट। ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पूरा डिटेल ही कर दिया। फिर कन्फ्यूज़न लग रही है मुझे यहाँ भी, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर इसका जो आंसर आया वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब थोड़ी समझदारी बढ़ जाएगी। चलो इसको लेके चलते हैं नीचे, तो ये आया, ये करेक्ट। अब ठीक है, अब है ना। अब सर ये तो हो गया मटेरियल का रेट, अब हमें लेबर का भी तो निकालना होगा। आप लेबर के बारे में, अरे यही है, आप लेबर के बारे में बोल रहे हैं 17800 और ओवरहेड, तो सर आपने टोटल कॉस्टिंग निकाल ली। जी सर टोटल कॉस्टिंग निकाल लिया। कई बार ना एग्जामिनर में सिर्फ बोलेगा स्टेटमेंट इक्विवेलेंट बना दो 6 नंबर में, तो बस वही पीछे वाला ही बनाना, आगे नहीं बनाना। अब आपका जो मटेरियल यूनिट है ना, जो आपका ये लगा है ना, तो कितने यूनिट मटेरियल यूज किए हैं आपने, तो आप पीछे देखोगे तो आपने 8900 यूनिट यूज किए मटेरियल, कितने और आपने इसका कितना यूज किया है 8920। और सर लेबर 17840 है। अच्छा एक जीरो लगाना भूल गए, यहां तक क्लियर है। तो अब आप मुझे बताइए कि भैया पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ये तो सिंपल पता है ना आपको, इसका 4, इसका 8 2 और इसका 8 1। पॉइंट में भी आ सकता है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है सर, 7500 कैसे आया, इंट्रोड्यूस कंप्लीट है 7500 में, इंट्रोड्यूस कंप्लीट कैसे आया 7500, निकाला था ना टोटल हमारा 8500 बन रहा था जिसमें से 1000 पुराना था। आप देखिए ना, मैंने बताया था ना, क्या बताया था सर आपने कि भैया शुरू में लगाए 10000, 1000, फिर लगाए 10000, टोटल बने 11000, फिर से इसमें माइनस 1500 जो नुकसान बचे 9500, क्लोजिंग स्टॉक 1000, टोटल बना कितना 8500, टोटल हम नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएंगे जिसमें से 1000 पुराना है, तो नया जो बना वो 7500।
सर अब इसके साथ साथ हमें ना एक और बनाना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, ठीक है ना। इसके साथ एक और बनाना पड़ेगा क्या कि टोटल कॉस्ट, अरे क्या लग रहा है, यही बना लेते हैं, जिसको हम टोटल कॉस्ट बोल लें या कॉस्ट अपोर्समेंट बोल लें आपकी इच्छा है। यहां लिख लेंगे पर्टिकुलर कॉस्ट एलिमेंट यूनिट पर यूनिट रेट टोटल कॉस्ट। ये कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, ये जनरल कैलकुलेशन को एक सजा के करने का तरीका है, दैट्स इट। आप जैसे मर्जी करिए वो चलेगा। सर ये बनेगा टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट अपोर्समेंट भी लिख सकते हैं, अपोर्समेंट। सबसे पहले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद क्या आएगा सर, पर्टिकुलर के बाद आएगा हमारा एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब पता है क्या होता है, कितना मटीरियल है, लेबर है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बन रहा है तीन एलिमेंट लग रहे हैं, नंबर वन मटीरियल, नंबर टू लेबर, नंबर तीन ओवरहेड, ठीक है ना। एलिमेंट मैंने लिख दिया, या फिर आप यहां पे और कुछ भी वर्ड लिख सकते हो कि कुछ भी और इससे मिलता जुलता नाम एलिमेंट से आप यहां पे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या आएगा सर, एलिमेंट के बाद आएगा हमारा यूनिट कितने लगे उस एलिमेंट में, फिर आएगा पर यूनिट कॉस्ट कितना था जो कि ये रेट निकाला, फिर टोटल आ जाएगा। हमारा स्टार्टिंग होता है यहां ओपनिंग से, ओपनिंग में क्या क्या लगा था सर, ओपनिंग में एलिमेंट लग सकता है मटेरियल सर, लग सकता है लेबर सर, लग सकता है ओवरहेड। मटेरियल देखो कितना लगा था ओपनिंग में, तो आप ध्यान से देखो ओपनिंग में मटेरियल। अब हमें ऐसे चलना पड़ेगा, ये लेके चलना होगा, तो मटेरियल तो जीरो लगा है, मटेरियल कितना लगा, जीरो यूनिट, क्योंकि पहले ही तैयार होके आया था। लेबर कितने यूनिट लगे सर, लेबर लगे 500 और 600, तो सर ये लगे 500 और ये लगे 600, इसका रेट है ₹2, इसका ₹1, इसका 1000 और ये 600, मतलब ओपनिंग स्टॉक लग गया हमारा, पहले का तो लगा ही लगा था ₹10,000 और नया मतलब उसको तैयार करने में 1600। अगर मेरे से कोई पूछे कि ओपनिंग स्टॉक बताइए कितने का लग गया टोटल, इसके अंदर पूरा कितना खर्चा आ गया इस 1000 में, तो भैया ये तो 10 और ये 11,600, समझ में आई बात आपको। अब हमने कंप्लीट भी किया, कंप्लीट का अलग निकलेगा, कंप्लीट में क्या लगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो सर मटेरियल कितना लगा देखो, कंप्लीट की बात कर रहे हैं, ये रहा कंप्लीट 7500 7500 7500, क्योंकि कंप्लीट है भाई साहब, तो 7500 7500 7500, तो ये भी 7500, ये भी 7500, ये भी 7500, इसका ₹4 ₹2 ₹1, तो 7500 × 4 ₹2 ₹1, तो 52 ठीक है। और क्या है भाई साहब एलिमेंट में, और क्या है सर एलिमेंट में, सर एलिमेंट में ओपनिंग भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया, एबनॉर्मल का भी होगा, नॉर्मल का निकालेंगे क्या, नहीं ये तो जीरो है, और क्लोजिंग यानी एबनॉर्मल और क्लोजिंग का और निकालना होगा सर, तो सर चलिए एबनॉर्मल क्या क्या लगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड, सर मटेरियल कितना लगा,
चलिए मटेरियल लगा भाई साहब 400, 320, 240, 400, 320 और ये 4 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, 1600, 640 टोटल बताओ। इसके बाद क्लोजिंग, इसके बाद क्लोजिंग सर, क्लोजिंग में भी क्या क्या लगा होगा? इसको और ऊपर ले जाएं, चलो ऊपर वाला तो अभी देखना नहीं है, मैं सिर्फ करवा देता हूँ, नोट्स में तो मिल ही जाएगा। मटेरियल कितना लगा क्लोजिंग में? अब देखिए क्लोजिंग में कितना, 1600, 500, देख रहे हो कितने काम का है ये, 5000 अब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, ये सब वर्किंग नोट कर रहे थे, अब हम करेंगे क्या, प्रोसेस अकाउंट। इसको मिटा देते हैं, अरे भाई मिट जाओ। प्रोसेस अकाउंट कितने बनाने हैं? एक, तो सर काम तो आसान हो गया। अरे लेकिन अब बस आपको ये देखना है कि इस जो हमने निकाला है उसको यूज कैसे करें। ओहो सर, प्रोसेस अकाउंट ठीक है, प्रोसेस अकाउंट क्या क्या है? चलिए थोड़ा नीचे करके कुछ सवाल देखना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कौन सा है जो पहले आया? ओपनिंग स्टॉक तो ये था 1000 यूनिट और उसका था 10000। सर ये ओपनिंग स्टॉक नहीं लगेगा भाई, ये तो पुराना माल है, जब कंप्लीट हुआ उसमें लगा वो ओपनिंग स्टॉक का, तो वो वहां जोड़ेंगे, अभी देखते जाइएगा। इसके बाद मटेरियल कितना लगाया? सर मटेरियल लगाया 37800। सर लेबर कितना लगाया? 17840। सर ओवरहेड कितना लगाया? 8840। और आपने इनपुट भी डाला था ना, मैं यहाँ इनपुट लिख देता हूँ, कैसे कैसे लिखूँ, इनपुट यूनिट जो ये है ना मटेरियल, यही है इनपुट, और ये था हमारा 10000। बाय साइड में अब नॉर्मल लॉस था कितना था, बिका कितने का? बाय एबनॉर्मल लॉस था कितने, लेकिन अब ये कितने का बिका, ये यहां से लेंगे, कितने का बेचा होगा ये, कितने का हमारा बेचा नहीं मतलब कि कितना कॉस्टिंग गया होगा, 2480। इसमें रेट निकल ही नहीं रहा, दे ही नहीं रहा हमें रेट, इसके अंदर हमें टोटल कॉस्ट ही नहीं दे रहा वो, तो वहां निकालना थोड़ा सा मुश्किल है डब्ल्यू, क्योंकि इसके अंदर ना ऐसा पिछला जो प्रोसेस था ना सब एकदम तैयार माल का हो रहा था, यहां पे कच्चा पक्का की वजह से ये नुकसान हो गया है। अब बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख लें,
सर क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 1000, 1000 का कॉस्टिंग 5700 यहां से लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस में गया, इसको समझिएगा, जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा सर वो जाएगा हमारा 8500, 8500 में से ओपनिंग भी जाएगा और कुछ न्यू वाला जो हमने बनाया है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में जो सामान लगा है वो 10000 तो पहले ही लगा चुके हैं और 1600 रुपए और लगा चुके हैं। एक तो ये बनाने में टोटल खर्चा जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में भेज रहे हैं तो टोटल कॉस्टिंग भेजेंगे ना, तो ओपनिंग का टोटल कॉस्टिंग आ रहा था हमारा 2600 और कंप्लीट करने का भी हमारा कुछ यूनिट निकल के आ रहा था, दैट इज हमारा 7500 यानी 52000। आप समझिएगा हमने टोटल जो नेक्स्ट प्रोसेस में भेजा ना, या फिनिश गुड्स कह लूं, एफजी कह लूं, कितने हमारे 85। अब 85 का टोटल कॉस्टिंग कैसे निकलेगा? एक तो आपने 7500 का तो पहले ही निकाला हुआ है 5200, तो सर ये होगा हमारा कैसे, ये 52500। और सर ओपनिंग स्टॉक भी तो था तभी तो 85 बना, तो ओपनिंग स्टॉक को बनाने में टोटल खर्चा क्या आया? एक तो 1600 इस बार लगा दिए आपने और पिछली बार, तो टोटल खर्चा जो निकल के आया वो कितना आया? प्लस 2600। तो इसका मतलब इसको आप टोटल करेंगे तो क्या आएगा बताइए? अरे 55। अब इसके मजेदार एक बात बताऊं, इसके अंदर आपने जब सब कुछ विद लॉजिकल किया है तो अब यहां कोई बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ही नहीं। टोटल कर दो इसका, इसका टोटल करिए। सर ये भी यही आएगा, आप चेक कर लीजिए, अगर ये नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ कर दिया आपने, कहीं ना कहीं एलिमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। गलत आ रहा है कितना? हाँ ये 11600 है ना, 11600 होगा, ठीक है ठीक है, ये मैंने 2600 गलत लिख दिया, ये होगा 11600 क्योंकि 10000 और प्लस 1600 11600, तो यहाँ पे ना ये मत जोड़ो, ये आएगा 11600। अब कितना आ रहा है बताओ? 52500, 11600, 11 52 63 64 100। हाँ तो वो हो जाएगा, आप देखो मैच कर लो, वो तो मैंने बता ही दिया, तो इससे आंसर भी चेक हो जाएगा आपका कि आप सब चीजें डाल रहे हो सब कुछ, अभी देखो नहीं मैच हुआ तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ी तो कर दी है।